दोस्तों सैमसंग के अनपैक्ड इवेंट में केवल एक या दो दिन ही बाकी है, जहाँ पर हमें Z Fold 3 और Z Flip 3 स्मार्टफोन यानी जो फोल्डेबल फोन इनकी हमें लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। इनकी स्पेसिफिकेशन वाली वीडियो तो बहुत सारी आपने यूट्यूब पर देखी होगी, मैंने भी बनाई है, जहाँ पर मैंने इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह बताया है, लेकिन इसे प्राइस रिलेटेड ज़्यादा कुछ खबरें निकल कर सामने नहीं आई थी ऑफिशियल सोर्सेज से। लेकिन आज यहाँ पर इसकी ऑफिशियल सोर्सेज की तरफ से दोस्तों यहाँ पर इन स्मार्टफोन की ऑफिशियल प्राइस निकल कर सामने आ गई है, और साथ ही में इंडियन मार्केट के लिए भी जो प्राइस सामने निकल कर आई है वो मैं आपको बताऊँगा, जो कि आपको जानकर पता चलने वाला है क्या होने वाला है, तो मैं आपको प्राइस बताने वाला हूँ। तो फटाफट दोस्तों हमारी इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, इसका प्राइस जान लेते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। हाँ तो अभी तक तो इनके स्मार्टफोन की प्राइस वगैरह कुछ सामने नहीं आई थी अभी, लेकिन अब इसकी प्राइस वगैरह सामने आ गई है। और सो ये बात मैं बता दूँ कि ये तो सर कन्फर्म ही है, यहाँ पर कंपनी ने पहले की तरह जो लास्ट ईयर जो इनके फोल्डेबल स्मार्टफोन आए थे उनसे जो इस साल के जो फोल्डेबल फोन आने वाले हैं वो चीपर होने वाले हैं। अब ये तो बताया था उन्होंने कितना कुछ चीपर होगा, लेकिन अब जो सोर्सेज पता चल यहाँ पर पता चल रहा है यहाँ पर हमें 20% चीपर स्मार्टफोन पिछले साल के मुकाबले देखने को मिलने वाले हैं। हाँ तो अब इनके ऑफिशियल सोर्स की बात करें तो जहाँ पर इनके प्राइस जो निकल कर सामने आई है वो कि A1 ब्लास्ट के तौर पर सामने आई है, जो कि काफ़ी अच्छी लीक्स रहेगी और इनके लीक्स वगैरह बिल्कुल सच्ची होती है जो भी ये बताते हैं। ये तो इनके मुताबिक जो इन्होंने बताया उसके बारे में बात कर रहे थे, तो जो सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 होने वाला है उसका जो 256 GB वाला वेरियंट होने वाला है उसके प्राइस यूरोपियन मार्केट में 1900 यानी कि 1900 यूरोस होने वाली है, यूरोपियन मार्केट की प्राइस मैं आपको पहले बता रहा हूँ। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर उसका 512 GB वाला वेरियंट होगा उसकी प्राइस 2000 यूरोस होने वाली है, और जैसा कि मैंने बताया आपको यूरोपियन मार्केट की प्राइस मैंने आपको बताइएगी। और वैसे मैं इनके देखा जाए तो यूरोपियन मार्केट और इंडियन मार्केट के प्राइस ज़्यादा में कुछ डिफरेंस ज़्यादा कुछ होता नहीं हैगा। साथ ही में अगर इनकी US मार्केट की प्राइस की बात करें तो ये तो ऑफिशियल सामने नहीं आया है, लेकिन पता जा रही है यहाँ पर हमें 1800 से $1900 के आसपास की यूनाइटेड स्टेट में इसकी प्राइस होती हुई देखने को मिलने वाली है। साथ ही में अगर इसके दूसरे स्मार्टफोन जो कि Z Flip 3 होने वाले उसके प्राइस की बात करें तो उसका प्राइस कंपनी रखने वाली है 1099 यहाँ पर इसका यूरो होने वाला है यूरोपियन मार्केट में। साथ ही में दोस्तों अब तो हमें इसका आने वाले टाइम में पता चलने ही वाला है यहाँ पर इसकी इंडियन मार्केट में क्या प्राइस होने वाली है। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि जो इंडियन मार्केट की प्राइस निकल कर सामने आई है वो ऑफिशियल सोर्सेज से नहीं आई है, यानी कि ऑफिशियल जो मैं आपको बता रहा हूँ ये प्राइस ये ऑफिशियली कन्फर्म नहीं है। हाँ तो पहले प्राइस की बात कर लेते हैं, तो जो Z Fold 3 होने वाला है सैमसंग का वहाँ पर हमें इसकी प्राइस होने वाली है जो इसका हायर वेरियंट होने वाला है उसकी प्राइस यहाँ पर 1,35,000 होने वाली है। साथ ही में जो इसका Z Flip 3 होने वाला है सैमसंग का गैलेक्सी उसकी प्राइस कंपनी 80,000 से 90,000 के बीच में रखने वाली है। और मैं वापस आपको यहाँ पर दोबारा याद दिलाऊं कि ये ऑफिशियल यहाँ पर कंफर्म नहीं इंडियन मार्केट की प्राइस, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर जो भी सोर्सेज से खबर आई है वहाँ से मेरे ख्याल से इसके आसपास इसकी प्राइस होने वाली है। साथ ही में उसके जो प्री ऑर्डर डील होने वाले वहाँ पर आपको कुछ ऑफर वगैरह देखने को मिलने वाले हैं, वो तो हमें लॉन्च इवेंट के थ्रू ही पता चलने वाला है। फिर दोस्तों आपको इसकी प्राइस वगैरह जानकर क्या लगा है आपके थोड़ा दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दो, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो आज के लिए दोस्तों मेरा नाम है सूरज, आप देख रहे हो साइंस टेक्निकल, मैं मिलता हूँ किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।